आईपीएल 2022 के पहले मुकाबले से पहले महेंद्र सिंह धोनी के पेन को लगा बड़ा झटका। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी कप्तानी, अब रविंद्र जडेजा को बनाया चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह पर अब रविंद्र जडेजा टीम के कप्तान होंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बतौर प्लेयर हमें खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल 2022 में। तो दोस्तों, आप भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के फैन है या फिर उनके फैन है तो कर दीजिएगा इस वीडियो को दिल से एक लाइक। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन है तो इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करें। वहीं पर दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी इस आईपीएल में हमें बतौर बल्लेबाज व विकेट कीपर खेलते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में उनके ऊपर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सागर थमा है, लहरों को पता है तूफान आने वाला है, फिर वही जोश वही रोमांच आने वाला है, दिल थाम कर रखिए अपना माई फिर आने वाला है। यानी कि इस बार महेंद्र सिंह धोनी बल्ले से कमाल करने वाले हैं आईपीएल 2022 में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एमएस धोनी एक बार फिर अनहोनी को होनी करेंगे? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने पहले मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया है, कौन से 11 खिलाड़ी हमें मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको अब देने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले मुकाबले की। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स एक दूसरे के आमने सामने होने वाली है। वैसे देखा जाए तो दोनों टीमों के पास काफ़ी मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं। जब ये दोनों टीमें पिछली बार आमने सामने हुई थी तब महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे, यानी कि अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे थे एक कप्तान के तौर पर, और उन्होंने ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स के नाम की थी। जबकि अब जब ये दोनों टीमें इस मुकाबले में आमने सामने होंगी तो यह रविंद्र जडेजा का पहला मुकाबला होगा बतौर कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। रविंद्र जडेजा के ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि एक चैंपियन टीम की कप्तानी उन्हें करने को मिल रही है, यानी कि उन्हें डिफेंडिंग चैंपियन का टैग है उनके पास और उन्हें इसे एक बार फिर डिफेंड करने के लिए मैदान पर उतरना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की हम बात करें तो कई दमदार खिलाड़ियों के साथ इस बार ये टीम मैदान पर उतरी है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, डीजे ब्रावो जैसे बल्लेबाज मौजूद है जो कमाल की पारियाँ खेल सकते हैं। हालांकि टीम के पास एक और विस्फोटक बल्लेबाज मोइन अली मौजूद है, लेकिन कोलकाता के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में हमें मोइन अली खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मोइन अली का पहले मुकाबले में ना खेलना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बड़ा झटका जरूर हो सकता है, लेकिन अभी भी इस टीम के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो उन्हें कवर कर सकते हैं। गेंदबाजी में भी चेन्नई सुपर किंग्स के पास काफ़ी शानदार गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो इस टीम के पास भी दमदार खिलाड़ी मौजूद हैं। बल्लेबाजी में हम बात करें वेंकटेश अय्यर, सरेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, आंद्रे रसल, सेम बिलिंग्स जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, तो वहीं पर सुनील नारायण इस टीम के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, टीम साउथी, उमेश यादव जैसे गेंदबाज जो टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी वो खिलाड़ी मौजूद है जो इस समय चेन्नई सुपर किंग्स को कड़ी टक्कर दे सकते हैं पहले मुकाबले में। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की, आखिरकार पहले मुकाबले में कौन से 11 खिलाड़ी मैदान पर उतर रहे हैं। तो केकेआर की ओपनिंग जोड़ी के तौर पर हमें वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे दिखने वाले हैं। दोनों खिलाड़ी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके दिखा सकते हैं टीम के लिए। वेंकटेश अय्यर फिलहाल काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं पर नंबर 3 पर सरेश अय्यर उतरेंगे तो नंबर 4 पर नीतीश राणा, नंबर 5 पर सेम बिलिंग्स, तो 6 पर आंद्रे रसल और 7 पर सुनील नारायण उतरने वाले हैं। नीतीश राणा, सरेश अय्यर, सेम बिलिंग्स के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो वहीं पर आंद्रे रसल और सुनील नारायण इस टीम के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, नंबर 8 पर पेट कमिंस की जगह पर टीम साउथी हमें खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 9 पर शिवम मावी, 10 पर उमेश यादव, तो नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती हमें दिखेंगे। उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती यहां पर टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं, तो वहीं पर टीम साउथी और शिवम मावी भी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहीं पर इसके बाद हम बात करें सीएसके की ओपनिंग जोड़ी की तो चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे हमें दिखने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों से यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, तो वहीं पर डेविन कॉनवे भी T20 के बेहतरीन प्लेयर हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर रॉबिन उथप्पा दिखेंगे, तो नंबर 4 पर अंबाती रायडू, नंबर 5 पर रविंद्र जडेजा दिखेंगे, तो 6 पर MS धोनी और नंबर 7 पर शिवम दुबे हमें खेलते हुए नजर आएंगे।
रविंद्र जडेजा एमएस धोनी से मिडिल ऑर्डर में काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी, तो वहीं पर रॉबिन उथप्पा और अंबाती रायडू इस टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं टॉप ऑर्डर में, तो इनसे काफी कुछ उम्मीदें रहेगी। वहीं पर दोस्तों नंबर 8 पर डीजे ब्रावो उतरेंगे, तो नंबर 9 पर क्रिस जॉर्डन, नंबर 10 पर एडम मिलने, तो नंबर 11 पर प्रशांत सोलंकी दिखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप में काफ़ी गहराई है, जिसके चलते ये टीम फिलहाल काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखने के बाद कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत रही है, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर केकेआर? आप हमें अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।